दशकों से जिस कंपनी की अलमारी बेटी की शादी में दिए जाने वाले तोहफों का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, जिसकी तिजोरी में करोड़ों भारतीय अपने जीवन भर की कमाई को भी रखकर चैन की नींद सोते आ रहे हैं, देश के करोड़ों दुकानदार जिस कंपनी के ताले को लगाकर बेफिक्र रहे, जिस कंपनी की डाई ने बुजुर्गों को जवान बना दिया, जिस कंपनी ने अपना साबुन बनाने में अहिंसा का रास्ता चुना और दुनिया का पहला जानवरों के चर्बी के बिना साबुन बनाया, जिस कंपनी ने पहली बार दुनिया भर के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का झंडा बुलंद किया, जब किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारतीय सरजमीं पर कदम रखने वाले पहले राजा बने तो उनका बेशकीमती सामान भी उनकी ही तिजोरियों में रखा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताले से लेकर सैटेलाइट तक बनाने वाले देश के सबसे पुराने बिजनेस घरानों में से एक, गोदरेज परिवार की। 127 सालों पुराना ये गोदरेज परिवार अब दो हिस्सों में बट गया है। आज के खर्चा पानी में हम गोदरेज फैमिली की पूरी कहानी बताएंगे, जानेंगे कि गोदरेज फैमिली का कारोबारी जो साम्राज्य है वो कितना बड़ा है, आखिर इस साम्राज्य के बंटवारे की नौबत क्यों आई, बंटवारे के बाद किसे क्या मिला है, इस बंटवारे का समूह की कंपनियों के शेयरों पर क्या असर पड़ा, इन सभी चीज़ों की डिटेल बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप पर डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अगर आप अपनी माँ को उसके शरीर के कई हिस्सों से खून बहता हुआ देखेंगे तो क्या आप उसे अकेला छोड़ देंगे और उसकी कीमत पर अपना जीवन जीने का आनंद लेंगे? 27 अप्रैल 1927 को द हेराल्ड को दिए अपने इकलौते इंटरव्यू में ये बातें आर देशर ने कही थी। उस समय उनकी उम्र 62 साल थी, लेकिन उनकी इन बातों में देशभक्ति की भावना का साफ पता चलता है। देशभक्ति की एक और मिसाल, साल 1906, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक समेत कई स्वतंत्रता सेनानियों ने जब ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार करने की कसम खाई तो आर्देशिर ने 1918 में बिना चर्बी वाला साबुन लॉन्च कर दिया। उस समय ऐसे साबुन बनते थे जिनमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता था और ऐसे साबुन का इस्तेमाल हिंदू समुदाय के लोग नहीं करते थे। आर्देशिर गोदरेज ने वनस्पति तेलों के इस्तेमाल से बिना चर्बी वाला साबुन बनाया, इसका नाम था चावी। जल्द ही ये उस दौर में बिकने वाले मशहूर बैदिंग सोप्स जैसे कि लक्स, वाइट रोज और विंसर को पीछे छोड़ते हुए पूरे भारत में घरों का हिस्सा बन गया। इसके बाद गोदरेज नंबर 2 साबुन बाजार में आया और इसके एक साल बाद आया गुलाब की खुशबू वाला गोदरेज नंबर 1 साबुन। ये ब्रांड आज भी बाजारों में मौजूद है। 1918 में लॉन्च हुए गोदरेज के पहले वेजिटेरियन सोप को नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने खुलकर सपोर्ट किया था। 1926 में नहाने का साबुन आया गोदरेज का टर्किश बाथ। 1920 के दशक के आखिर में या 1930 के दशक की शुरुआत में जो भारत की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी और बंगाल को विभाजित करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के मद्देनज़र भारतीयों ने ब्रिटिश कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली चीज़ों का बहिष्कार किया तो गोदरेज ने वतनी साबुन लॉन्च किया, जिसका अर्थ था वतन से, मातृभूमि से। फूलों से सजी घनी चोटी और माथे के बिल्कुल बीचों बीच बिंदी लगाकर खूबसूरत साड़ी पहने मुगले आजम की अनारकली के नाम से मशहूर मधुबाला इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। देशभक्ति की भावना से भरे आर्देशिर जब एक वकील के रूप में असफल हो गए तो उन्होंने गोदरेज ग्रुप की स्थापना की। आर्देशिर भारत आने से पहले पूर्वी अफ्रीका के जंजीबार में प्रैक्टिस करते थे। 1894 में मुंबई लौटकर उन्होंने पहले नौकरी की, फिर खुद का कारोबार शुरू करने का सिलसिला शुरू किया। शुरुआत ऑपरेशन के औजार बनाने से हुई, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने ताला बनाने का काम शुरू किया। 7 मई 1897 को एक शेड में उन्होंने गोदरेज कंपनी की नींव रखी। गोदरेज नाम के पीछे भी एक अलग कहानी है। आर्देशिर एक पारसी थे, उनका जन्म 1868 में बॉम्बे में, जो अब मुंबई है, उसमें हुआ था। वह अपने माता पिता के 6 बच्चों में सबसे बड़े थे। जब आर्देशिर लगभग 3 साल के थे तब उनके पिता बुरजोर जी गुदेराजी ने परिवार का नाम बदलकर गोदरेज रख दिया और इस तरह कंपनी का नाम भी पड़ा गोदरेज। कुछ असफल बिजनेस के बाद आर्देशिर गोदरेज ने सबसे पहले एक ताला कंपनी बनाई। उनके लिए ताले का बिजनेस सफलता की चाबी बन गया। इसके बाद 1918 में पहला वनस्पति तेल साबुन लॉन्च किया। 1923 में ताले और साबुन के बाद स्टील की अलमारी के साथ गोदरेज ने फर्नीचर के फील्ड में एंट्री की। देखते देखते गोदरेज की अलमारी इतनी पॉपुलर हो गई कि उस दौर की शादियों में गोदरेज अलमारी उपहार में देना एक तरह की परंपरा बन गया।
1943 में उन्होंने फिरोज शाह नगर इंडस्ट्रियल सिटी बसाया। तत्कालीन बॉम्बे सरकार ने विक्रोली गांव को फिरोज शाह गोदरेज को नीलाम कर दिया तो ये औद्योगिक टाउनशिप बनकर उभरा। 1944 में गोदरेज ने सबसे सुरक्षित तिजोरियां बनाने की शुरुआत की। देश जब आजाद हुआ तो पहले आम चुनाव के दौरान 1951 में बैलेट बॉक्स बनाने वाली कंपनी गोदरेज बनी। इस दौरान गोदरेज ने 17 लाख मतपेटियां बनाकर सबको चौंका दिया। साल 1952 नहाने के साबुन सिंथॉल को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर लॉन्च किया गया। पहला पूरी तरह से भारतीय टाइपराइटर बनाने का श्रेय भी गोदरेज को ही जाता है, जिसे गोदरेज ने बॉयज के साथ मिलकर 1955 में बनाकर पेश किया था। 1958 में गोदरेज ने भारत में अपना पहला फ्रिज लॉन्च किया। 1974 में पहला हेयर कलर, कुछ समय में ये देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला हेयर कलर बन गया। 1990 में गोदरेज ने अपना कारोबार रियल एस्टेट सेक्टर में फैलाया और गोदरेज प्रॉपर्टीज की स्थापना की। जब देश उदारीकरण की तरफ बढ़ रहा था तो 1991 में गोदरेज ग्रुप ने कृषि क्षेत्र में कदम बढ़ाए और गोदरेज एग्रोवेट कंपनी खड़ी की। साल 1994 में मलेरिया और मच्छरों से बचाव वाले प्रोडक्ट गुड नाइट और हिट लॉन्च किए। 1997 में गोदरेज ने शतक जड़ते हुए कारोबारी सफर के 100 साल पूरे किए। 2005 में ग्रुप ने रिटेल सेक्टर में पांव पसारे और प्रीमियम रिटेल चेन गोदरेज नेचर बास्केट लॉन्च किया। 2007 में दो चाबी वाले क्रांतिकारी ताले मेट्रोनिक डोर लॉक लॉन्च किए गए। 2008 में भारत चंद्रयान 1 के साथ चंद्रमा पर मानव रहित मिशन तैनात करने वाला 5वां देश बन गया था। इस मिशन में गोदरेज कंपनी का भी योगदान रहा। कंपनी ने मिशन के प्रक्षेपण यान और चंद्र ऑर्बिटर के निर्माण में मदद की। साल 2009 में ग्रुप ने मुंबई के महालक्ष्मी में गगनचुंबी इमारत प्लेनेट गोदरेज लॉन्च किया। 2011 में गोदरेज इंडिया कल्चर लैब हुई और अफ्रीका में भी अपना हेयर कलर को एक्सपैंड किया। साल 2013 में आम लोगों तक पहुंच और ज्यादा बढ़ाने के लिए कागज आधारित गुड नाइट लॉन्च किया गया, जिसकी कीमत 10 रुपए थी, और कारों के लिए लॉन्च हुआ गोदरेज एयर परफ्यूम। 2015 में मुंबई में गोदरेज वन नाम से कंपनी का ग्लोबल हेडक्वार्टर बनाया गया। इसी साल नादिर गोदरेज सेंटर फॉर एनिमल R&D की स्थापना की गई। 2017 में गोदरेज एग्रोवेट शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। 2017 में ही छोटे दुकानदारों के लिए फ्रीजर लॉन्च किया गया और फर्नीचर कारोबार में भी कदम बढ़ाया। 2018 में देश की पहली सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर रेंज एज डुओ लॉन्च की गई और देश की सबसे एनर्जी एफिशिएंट AC इसी ने लॉन्च की। 2019 में नाइजीरिया की डांगोड ऑयल रिफाइनरी के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे रिएक्टर का निर्माण किया। इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। इस तरह से देखें तो भारत की आजादी से पहले के जिन कारोबारी घरानों का जिक्र होता है उसमें गोदरेज फैमिली का नाम भी आता है, लेकिन अब इस 127 साल पुराने घराने में बंटवारा हो गया है और गोदरेज ग्रुप का बिजनेस दो हिस्सों में बढ़ चुका है। अब जानते हैं कि इस बंटवारे में किसे क्या मिला है। गोदरेज फैमिली ने ग्रुप को विभाजित करने के लिए एक समझौता किया है। शेयर बाजार में लिस्टेड गोदरेज ग्रुप की कंपनियां वगैरह आदि गोदरेज और उनके भाई नादी गोदरेज के हिस्से में आई हैं। आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर ने गोदरेज इंडस्ट्रीज को अपने पास रखा है, जिसके अंदर 5 लिस्टेड कंपनियां आती हैं। इनमें गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज एग्रोवेट और एस्टेक लाइफ साइंसेज शामिल हैं। वहीं ग्रुप की नॉन लिस्टेड कंपनियां चचेरे भाई जमशेद और उनकी बहन स्मिता को मिली हैं। दोनों को सहयोगी कंपनियों के अलावा मुंबई में प्रॉपर्टी के अलावा अच्छी खासी जमीन दी गई है, जिसमें मुंबई में 3400 एकड़ जमीन शामिल है। गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप में गोदरेज एंड बॉयस और उसके सहयोगी शामिल हैं, जिनकी एरोस्पेस और विमानन से लेकर के रक्षा, फर्नीचर और IT सॉफ्टवेयर तक कई इंडस्ट्रीज में अच्छी खासी पकड़ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मौजूदा समय में गोदरेज ग्रुप की कुल मार्केट वैल्यू करीबन 2,34,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आदि गोदरेज फिलहाल गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन हैं और उनके भाई नादिर गोदरेज इंडस्ट्रीज और गोदरेज एग्रोवेट के चेयरमैन हैं। उनके चचेरे भाई जमशेद गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हेड हैं, जबकि बहन स्मिता कृष्णा और ऋषद गोदरेज की भी गोदरेज एंड बॉयस में हिस्सेदारी है, जिनके पास विक्रोली की अधिकांश प्रॉपर्टी है। समूह की तरफ से जारी बयान के मुताबिक आदि गोदरेज के 42 वर्षीय बेटे फिरोज शाह गोदरेज गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुप के कार्यकारी उपाध्यक्ष होंगे और अगस्त 2026 में नादिर की जगह लेंगे। बयान में यह भी कहा गया है, आपसी सम्मान, सौहार्द और दोस्ती बनाए रखने और गोदरेज परिवार के सदस्यों के अलग अलग दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए एक फैमिली सेटलमेंट अग्रीमेंट यानी कि FSA पर सहमति बनी है। बयान में कहा गया है कि दोनों समूह गोदरेज ब्रांड का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे और अपनी साझा विरासत को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब समझते हैं कि गोदरेज ग्रुप में बंटवारा क्यों हुआ है। बयान के अनुसार गोदरेज परिवार ने इस विभाजन को गोदरेज कंपनियों में अपनी शेयर होल्डिंग के ओनरशिप रीस्ट्रक्चर के रूप में बताया है।
बयान में कहा गया है कि गोदज परिवार सदस्यों के अलग अलग दृष्टिकोणों को स्वीकार करते हुए आपस में सद्भाव बनाए रखने और स्वामित्व को बेहतर ढंग से तय करने के लिए इस निर्णय पर पहुंचा है। बता दें कि कुछ साल पहले जमशेद गोदरेज ने भूमि स्वामित्व को अलग करने पर सलाह देने के लिए निवेश बैंकर निमेश कंपानी और वकील जिया मोदी को शामिल किया था। कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक और कानूनी फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास के सिरिल श्रॉफ आदि गोदरेज के इन कामों में मदद कर रहे थे। उधर गोदरेज ग्रुप में कारोबार के बंटवारे से पहले मंगलवार 30 अप्रैल को शेयर बाजार में लिस्टेड ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। आज यानी 1 मई को भी ग्रुप के शेयरों में तेजी रही है। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर बुधवार को 56 रुपए या करीबन 6% बढ़कर 965 रुपए पर बंद हुआ। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स करीबन 1% की तेजी के साथ लगभग 1229 रुपए पर। इसी तरह से गोदरेज प्रॉपर्टीज 0.68% की तेजी के साथ 2646 रुपए पर बंद हुआ। एस्टेक लाइफ साइंसेज लिमिटेड भी करीबन 4.5% की तेजी लेकर 1285.90 रुपए के लेवल पर बंद हुआ है। हालांकि गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड करीबन 0.5% गिरकर 546 रुपए के आसपास बंद हुआ है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये सारी तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।